हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे थीम मॉडिफाई के बारे में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ छोटे छोटे मॉडिफिकेशन किए हैं सिंबल से और उसका नोटिफिकेशन पैनल में कंटेंट के कुछ सिंबल में, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मॉडिफाई है बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। कुछ है, कुछ फाइल को आपको रिप्लेस करना पड़ता है कुछ आइकॉन के रिलेशन, यानी कि जिसकी उसकी साइज उतनी उसके हिसाब से। दोस्तों, ये सुनने में काफ़ी टफ लग रहा है, लेकिन ये आप देख लेंगे तो बहुत ही ईजी है। इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वन एप्लीकेशन से होगा। और इसे आप किसी भी डिवाइस में यूज कर सकते हैं, लाइक आपका ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, सोमी हो गया, सैमसंग हो गया, जिसमें थीम हम अप्लाई कर सकते हैं उस सब में आप मॉडिफाई थीम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इसे मॉडिफाई करना है, कैसे आप चेंज कर सकते हैं हर एक चीज़। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक करिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए अभी मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना थीम जो है मैंने मॉडिफाई किया, वो मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, छोटे मोटे मॉडिफाई, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना फोटो सेट किया, ठीक है, ये नोटिफिकेशन पैनल है, ओके। उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो रहता है दोस्तों, यहाँ से आप ऑफ करेंगे तो ये देखिए, ये आपको एनेट वाला सिंबल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इसे जब ऑफ करूँगा तो नॉर्मल ऐसे रहेगा, ठीक है। जब हम नेट ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारा फोटो ये आएगा, देखिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। और जो मैंने दूसरा मॉडिफिकेशन किया, यहाँ से हम डायलर खोलेंगे, उसके बाद यहाँ से हम कॉन्टेक्ट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कॉन्टेक्ट में भी हमारा फोटो है, देखिए। और यहाँ पे जब हम टच करेंगे तो कोई दूसरा सिंबल आएगा, देख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हम गए तो नहीं हट जाता, यहाँ पे फिर वापिस जाएंगे तो आ जाता है सिंबल। उसके बाद यहाँ पे देखिए, कुछ जो भी हमारे फोन में नंबर सेव रहेंगे सब पे हमारा बाई डिफॉल्ट फोटो रहेगा, ठीक है। तो मैंने कुछ छोटी मोटी मॉडिफाई किए हैं, तो यहाँ पे देखिए जो मैंने वॉलपेपर इसमें डाला है, ये भी मैंने मॉडिफाई किया थीम में। तो आपको सबसे पहले एक फाइल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये रहा ईएस फाइल एक्सप्लोरर, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। और दूसरा, आपको जो आप थीम एडिट करेंगे उसकी फाइल डाउनलोड आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि जो भी थीम आप सेट करेंगे उसे आपको एडिट करना है, यानी मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। देख सकते हैं मेरा थीम वाला फाइल है, ठीक है। तो इस नाम का मेरा थीम रहता है, तो हम इसे सबसे पहले क्या करना है, इस पर प्रेस एंड होल्ड करके यहाँ से इसका, इसमें दोस्तों मैं थीम एक छोटे मोटे आइकॉन में चेंज करके दिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई, वाईफाई का नहीं, ब्लूटूथ का, ठीक है। जैसे ब्लूटूथ अभी सिंपल ऐसे जब ऑन होता है तो मैं आपको दिखा दे, देखिए ये ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो हम इसे चेंज करके इसके आइकॉन को मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे चेंज करेंगे, तो आप समझ जाएंगे, थोड़ा आइडिया आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं देख लीजिए इस फाइल को सेट किया हूँ। सेट करने के बाद आपका जो भी रहेगा थीम, ठीक है, उसे आप सेट करना। सेट करने के बाद यहाँ से आपको रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद यहाँ पर देखिए इसका जो फाइल का, ठीक है, फॉर्मेट है ATITZ है, ठीक है। तो इसे यहाँ से हम रिमूव करेंगे, देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए हट गया। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे जीप ZIP, ठीक है, यहाँ से हम टाइप करेंगे जीप, देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम ओके कर देंगे तो ये फाइल हमारा जीप में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। देखिए यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, उसे हम प्रेस एंड होल्ड करके यहाँ से कॉम्प्रेस कर देंगे, ठीक है, एक साइड टू ओके कर देंगे, देखिए हमारा हो गया। उसके बाद हमें इस नाम का फोल्डर ढूंढना है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे, ठीक है, आ गया, देख लीजिए सत्यम न्यू, ठीक है, जो थीम का नाम था। अब देख लीजिए खुल गया सब फोल्डर, ठीक है। अब मान लीजिए इसका जो वॉलपेपर आपको चेंज करना है, ठीक है, यहाँ पे देखिए वॉलपेपर है, तो देखिए जो मैंने वॉलपेपर डाल के रखा है आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दूसरा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो भी आप इसमें डालेंगे इसी नेम का होना चाहिए। पहले आप नेम को कॉपी करके फिर उस फोटो पे नेम चढ़ाए, फिर इसमें डाल के जाके रिप्लेस कर दे फाइल, तभी होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम बैक जाते हैं, देखिए प्रीव्यू में जो दिखाता है फोटो यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आइकॉन है, तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, वेट थोड़ा करते हैं 1 मिनट, यहाँ से हम एक फाइल को चूज करेंगे, ठीक है, देखिए सिस्टम UI, इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से इसे हम कॉपी करेंगे, सॉरी यहाँ से कॉपी करने के बाद फिर यहाँ से इसमें प्रीव्यू में जाएंगे, फिर यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये हमने पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ से हम इसे
प्रेस एंड होल्ड करके फिर वापस रीनेम करेंगे, फिर यहाँ पे हम जाएंगे, फिर यहाँ पे डॉट, फिर यहाँ से जिप, फिर यहाँ से ओके। ये देखिए जिप फाइल में कन्वर्ट हो गए, प्रेस एंड होल्ड करके यहाँ से एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है ओके। देखिए हमारा हो गया, यहाँ पे फाइल खुल गया, आप यहाँ से ओपन करेंगे, ये देख लीजिए सब पूरा सिंबल इसमें लोड ही होंगे, जो भी सिंबल यहाँ पे दिखा रहे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक सिंबल, देखिए वाईफाई का है, ठीक है। अभी देखिए वाईफाई इस टाइप का है, शॉप यहाँ पे लिखा है ना ऑफ, यानी कि जब हम यहाँ से ऊपर करेंगे ये देख लीजिए ऑफ है, जब इसे हम ऑन करेंगे तो इस टाइप का दिखाने लगेगा ब्लूटूथ। अभी देखिए यहाँ पे हम ऑन करते वाईफाई, अभी देखिए यहाँ पे ये देखिए ब्लू हो गया, अभी इसे बंद करते ऑफ हो गया, ठीक है। तो ये सब रहता है दोस्तों छोटे मोटे। उसके बाद यहाँ पे हमें ब्लूटूथ का चेंज करना है, ठीक है। हम ब्लूटूथ का पहले ढूंढ लेते हैं कहाँ पे है, ये रहा ब्लूटूथ, ठीक है। तो ये ऑन वाला है, ये ऑफ वाला है, ठीक है। यानी ऑफ रहेगा तो इसे ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा, ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा ब्लू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं दोनों चेंज करके रखा हूँ। तो आपको चेंज करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको प्रेस एंड होल्ड करना है, उसके बाद यहाँ पे मोर में जाना है, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाना है, इसका साइज देखना है, ठीक है कितना है। तो इसका देखिए साइज जो है 120x120 है, ठीक है। तो इसी साइज का आप एक PNG फाइल क्रिएट करेंगे, तब इसमें जाके पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम मैंने ऑलरेडी कर चुका है, तो यहाँ से हम प्रेस एंड कॉपी होल्ड करके रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम रीनेम पे जाएंगे, फिर यहाँ से हमें इसका पूरा का पूरा नेम कॉपी करना है। देखिए यहाँ से हम कॉपी कर लिए हैं, कॉपी करने के बाद इसे कैंसिल कर देते हैं, फिर वापस हमें जाना है दूसरे में, उसके बाद जहाँ हमने अपना फोटो बना के रखा है, ठीक है आपको दिखा देता हूँ। ये रहा पिक्चर, ये रहा पिक्सआर्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक है, तो इसका पहले मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा दूँ जो मैंने बनाया है, देख लीजिए इसका भी 120x120 है, ठीक है। जो सेम फाइल उसमें रहेगा इसका भी सेम होना चाहिए। यहाँ से कैसे आ गया, फिर यहाँ से इसका रीनेम कर देंगे, यहाँ से पेस्ट, फिर यहाँ से ओके, ठीक है। यहाँ से हम कॉपी मार लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए एरा फाइल, तो इसे हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, देखिए ओवरराइट यहाँ से कर देंगे, ठीक है। हमारा फाइल रिप्लेस हो गया, आपको हम दिखाते हैं। अब यहाँ से हम इसे जो तो यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ कि हुआ कि नहीं मेरा फाइल, तो यहाँ से हम इसे देख लीजिए हमारा फोटो आ गया। तो चलिए अब सिंपली क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए हमारे जैसे कि जो भी हमें आइकॉन चेंज करना हो हमने चेंज कर दिया, आपको इसमें से जो भी चेंज करना हो उसे अब चेंज करने के बाद यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करके रखिएगा, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे करिएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए मोर में फिर कॉम्प्रेस कर दीजिए, ठीक है। फिर जिप फाइल में देखिए कॉम्प्रेस हो जाएगा, नाम यही रहना चाहिए, नाम आपको चेंज नहीं करना, ठीक है। जो मैंने वो बता रहा हूँ वही सेव करना है, और बाकी आपको कहीं भी कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है, नहीं तो ये थीम क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे, ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए एक फाइल क्रिएट हो गया होगा, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो पहले बैक जाएंगे, पहले वाला फाइल हम यहाँ से डिलीट करेंगे जो हमने पहले सबसे पहले स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर इसमें जाएंगे, फिर ये वाला फाइल यहाँ से हम कट कर लेंगे, फिर बैक जाएंगे, फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, देखिए यहाँ पे आ गया। अब इस फाइल को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे वापिस, ठीक है। मॉडिफाई हमने की, यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड, फिर यहाँ से हम रीनेम, फिर यहाँ पे हम इसे काट देंगे, डॉट भी काट देंगे, ठीक है, इस टाइप का रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ से हम ओके कर देंगे, उसके बाद देखिए हमारा चेंज हो गया। यहाँ से हम कट, फिर बैक, फिर देखिए जो मेरे मेन सेटअप है, फिर यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे, यहाँ से इसे हम ओवर राइट कर देंगे, ठीक है, ओवर राइट हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिर हम प्रेस एंड होल्ड, फिर उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, फिर यहाँ से हम कंप्रेस करेंगे इसे किसी अलग नाम से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम नाम दे देंगे फर्स्ट, यानी कि मैंने किया था, ये देखिए हमारा हो गया थीम क्रिएट, ठीक है। अब इसे हम यहाँ से
इसका नेम चेंज करेंगे। अब यहाँ पे हम ITZ डालेंगे जो इसका फॉर्मेट है, ठीक है, ITZ यहाँ से, फिर उसके बाद ओके कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा फाइल क्रिएट हो गया, ठीक है। चलिए इसे हम बैक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम सेटिंग में जाते हैं। पहले थीम को मैं डिलीट कर दूँ, तभी जाके अप्लाई, फिर यहाँ पे सेटिंग थीम, फिर यहाँ से इस पे जाते हैं, फिर यहाँ से थीम को डिलीट करते हैं, ठीक है, डिलीट करते हैं। यहाँ पे देखिए दो ही थीम बचा है, तो मैं यहाँ पे कोई एक बाय डिफॉल्ट थीम सेट कर लेता हूँ। ये रहा, ये थीम मैंने सेट कर लिया। अब सेट करने के बाद थोड़ा वेट करते हैं। अब आप जैसे भी आपका जो भी मोबाइल रहेगा, ठीक है, उस मोबाइल में आपको जैसे इनपुट करना है आप वैसे आप थीम को इनपुट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से मैं इस थीम को कॉपी करूँगा, जो कि यहाँ से इसे हम कॉपी करेंगे, बैक जाएंगे फोन, यहाँ पे एक WD का नाम का फाइल रहता है, जैसे कि वीवो में सबको मालूम है। इसमें जाना है यहाँ पे, इसे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद सेम वापिस हम यहाँ पे इसे कॉपी मारेंगे, फिर बैक जाएंगे, फिर यहाँ पे डी फोल्डर में जाएंगे, ये पहले वाला, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, फिर यहाँ से नया डाल देते हैं, फिर वापिस, फिर यहाँ से हम कॉपी मारते हैं, फिर बैक जाते हैं, सब फाइल में हमें पेस्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ से हम कॉपी मारते हैं, फिर एफ में इसमें भी कर देते हैं, फिर यहाँ से सेम कॉपी मारते हैं, यू में भी कर देते हैं, फिर यहाँ से कॉपी मारते हैं, W भी कर देना है, पहले वाला फाइल है इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। दोस्तों ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। सब में हो गया, अब यहाँ से हम सब ऐप को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद लॉक स्क्रीन थीम, फिर यहाँ पे मोर थीम लोकल, फिर यहाँ पे लोकल थीम, देखिए यहाँ पे आ गया थीम वापस। अब यहाँ से अप्लाई हम करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक करिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों मैंने जो जो स्टेप बताया आप वही करिए, कोई दूसरा मत करिएगा, नहीं तो ये आपके मोबाइल में अप्लाई नहीं होगा थीम, ठीक है। कोई भी आपको छेड़छाड़ी नहीं करनी है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा है ब्लूटूथ, हमने चेंज किया था, ब्लूटूथ ऑन करते हैं। ये देखिए आपके सामने हमारा जो है चेंज हो गया है, बिल्कुल सक्सेसफुल। अभी हमारा ब्लूटूथ यहाँ से ऑन है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम ब्लूटूथ बंद करेंगे, जैसा कि आप देखिएगा ऊपर भी चालू है, तो यहाँ पे हम ब्लूटूथ बंद करेंगे। देखिए ब्लूटूथ बंद हो गया। तो दोस्तों इसी तरह की आपको करना है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगता है, इस वीडियो को जरूर एक लाइक करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।